नमस्कार दोस्तों, ऑटो कंपेयर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई की रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है, जिनका नाम है इसैक एटोलिया। दोस्तों, इन्होंने कमेंट बॉक्स में वैगनआर ZXi AMT और बलिनो की डेल्टा AMT के बीच में कंपेयर मांगा है, और आज हम कंपेयर करेंगे इन दोनों गाड़ियों के बीच और आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी लेने के लिए होगी सही। उससे पहले दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोनों गाड़ी की प्राइसिंग के साथ। वैगनआर की ZXi AMT 1.2 दोस्तों, इस गाड़ी की कीमत है 6,33,000 रुपये, और मारुति बलिनो इस गाड़ी की कीमत है 7,91,000 रुपये डेल्टा CVT के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग की बात करें तो दोनों की प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो आइए जानते हैं कौन सी गाड़ी आपके लेने के लिए होगी सही। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन के साथ। दोस्तों, जो वैगनआर है ये एक टॉल बॉय डिज़ाइन गाड़ी है, जिसको हैचबैक भी आप कह सकते हैं, और जो बलिनो है ये एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है, जिसको आप देख पा रहे हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर हम तीन एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं दोनों गाड़ियों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो अगर हम लंबाई की बात कर रहे हैं तो 340 mm ज़्यादा लंबी है बलिनो, चौड़ाई के मामले में 125 mm ज़्यादा चौड़ी है बलिनो। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऊंचाई के मामले में तो 165 mm ज़्यादा ऊंची है वैगनआर। चूँकि वैगनआर एक टॉल बॉय डिज़ाइन गाड़ी है, तो इसमें इतनी ऊंचाई होना लाजमी है। बूट स्पेस की बात करें तो 341 लीटर का बूट स्पेस वैगनआर के अंदर और 339 लीटर का बूट स्पेस आपको बलिनो के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर हम कैबिन स्पेस के नज़रिए से बात करें तो किसमें आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है, तो वो है बलिनो के अंदर। लेकिन अगर हम हेडरूम की बात करते हैं आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, तो वैगनआर आपको उस मामले में ज़्यादा स्पेस देता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको वैगनआर के अंदर 165 mm का देखने को मिलता है और बलिनो में 170 mm का देखने को मिल जाता है। बात करें इंजन्स की, दोस्तों इंजन के मामले में आपको वैगनआर में देखने को मिलता है 1.2 लीटर का K12M 4 सिलेंडर इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 81.80 bhp का विद टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क। ये गाड़ी 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। बात करें दूसरी गाड़ी मारुति सुजुकी बलिनो की, तो इस गाड़ी में आता है 1.2 लीटर का VVT 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 81.80 bhp का विद अ टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क। ये गाड़ी ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन के साथ आती है। दोस्तों, अगर हम इंजन्स के मामले में बात करें तो दोनों इंजन्स का नाम तो अलग है लेकिन पावर परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। हालांकि जो गियरबॉक्स है वो आपको बलिनो में CVT देखने को मिलता है, जो स्मूथ होता है एज़ कम्पेयर टू 5-स्पीड ऑटोमेटिक। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं। बात करें माइलेज की, तो माइलेज आपको वैगनआर में देखने को मिलता है 20.52 kmbl का ARI क्लेम माइलेज करती है विद अ फ्यूल टैंक ऑफ 32 लीटर्स, और बलिनो में आपको आता है 19.56 kmbl का माइलेज विद द फ्यूल टैंक ऑफ 37 लीटर्स। कंफर्टेबल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि दोनों गाड़ी में सेम आता है, जिसमें से इनका नाम है रियर सीट हेडरेस्ट, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, AC हीटर, एडजस्टेबल कीलेस एंट्री, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो फ्रंट एंड रियर एंड टैकोमीटर। ये आपको दोनों गाड़ी में देखने को मिल जाता है। एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी चीज़ इन दोनों मॉडल से मिस कर जाती है, वो है नो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का होना। हालांकि बलिनो में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वैगनआर में अगर आपकी हाइट कम है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है वैगनआर के अंदर, लेकिन नहीं दिया गया है। एक इसे आप मेजर कॉन्स में गिन सकते हैं। वॉइस कंट्रोल आपको वैगनआर में देखने को मिल जाता है, बलिनो मिस कर जाता है। बलिनो में दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, पहला है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दूसरा है पावर बूट सिस्टम। एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो वैगनआर है इसके अंदर आता है 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ आती है, और इस गाड़ी में 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाता है और नेविगेशन सिस्टम इसमें आती है। वहीं बात करें बलिनो में, तो ये एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है, इसकी कीमत भी ज़्यादा है, तो इसमें कोई भी आपको टच स्क्रीन सिस्टम नहीं आता है। इसमें बिल्कुल सिंपल सा MP3 सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें 4 स्पीकर्स आते हैं, सिंपल सा आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर अपने। टायर साइज की बात करें तो R14 टायर वैगनआर में और R15 टायर आपको बलिनो में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करें अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ सेफ्टी के मामले में, कौन सी गाड़ी है ज़्यादा सेफ। दोस्तों, अगर हम सेफ्टी रेटिंग्स की बात करें तो वैगनआर को मिले हैं 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। ये गाड़ी सेफ्टी टेस्ट के दौरान ज़्यादा स्टेबल नहीं पाई गई, इसमें बॉडी रोल है क्योंकि एक टॉल पोल डिज़ाइन है, और 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ठीक ठाक है, ना ज़्यादा हम इसे अच्छा कह सकते हैं ना बेकार कह सकते हैं, काम चलाऊ कह सकते हैं।
बलिनो की बात करें तो हाँ, ये गाड़ी थोड़ी अच्छी परफॉर्म कर सकती है वेगनार के मुकाबले, क्योंकि इस गाड़ी को मिले हैं 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग और ये गाड़ी में बॉडी रोल वेगनार के मुकाबले बहुत कम है और ये गाड़ी थोड़ी स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू वेगनार। लेकिन अगर हम वेगनार की बात करें तो पुरानी वेगनार स्टेबल उतनी है, लेकिन जो नई वाली वेगनार है इसको जब आप चलाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी की उतनी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो बता दें बलिनो में आपको ज़्यादा अच्छा सेफ्टी रेटिंग देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें कुछ सेफ्टी फीचर्स के मामले में, तो सेफ्टी फीचर्स के मामले में आपको दोनों ही गाड़ी में ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग, साइड एंड फ्रंट इंपैक्ट बीम, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, इंजन चेक वार्निंग, स्टेटिव डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो लॉक देखने को मिल जाता है। दोस्तों आते हैं ऑन रोड प्राइसिंग के ऊपर, कौन सी गाड़ी कितने रुपये में पड़ेगी और कौन सी गाड़ी आपके लेने के लिए होगी सही। तो इस चर्चा जवाब देने के लिए चलिए चलते हैं ऑन रोड प्राइसिंग की तरफ। तो 7,18,000 रुपये पड़ती है वेगनार की ZXi 1.2 AMT मॉडल, ये ऑन रोड प्राइस दिल्ली की है, हो सकता है अप डाउन आपके शहर में हो जाए। बलिनो की डेल्टा CVT पड़ेगी 8,94,000 रुपये। तो सिंपल सी बात है, दोनों गाड़ियों के बीच में 1,00,000 रुपये से भी अधिक का डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात तो इस कंपेयर पे एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि ये कंपैरिजन दोस्तों एक हैचबैक और प्रीमियम हैचबैक के बीच में है। तो बलिनो अपने हिसाब से जो प्राइस आपसे ले रहा है उस हिसाब से आपको फीचर्स दे रहा है, जैसे कि इसमें आपको स्पेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो इंजन है दोस्तों दोनों में बिल्कुल सेम है, ये बात एक नोटिस कर सकते हैं। ओवरऑल ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कौन सी गाड़ी आपको पसंद आ रही होगी। आपने ये कंपैरिजन पूरा देख लिया होगा, आपको आइडिया लग चुका होगा। कमेंट बॉक्स में अब आप बताइए कौन सी गाड़ी आपको सही लग रही है लेने के लिए। और भी ऐसे कंपैरिजन को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल ऑटो कंपेयर को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।